हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना, कानों को कॉटन स्वाब और क्यूटिप से साफ करना, और तो और फेस को जोर जोर से रगड़ के साफ करना, ये सभी चीजें गलत और हानिकारक होती हैं। ऐसी ही बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 10, स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना भी कम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने के बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कैलोरीज बर्न होने के जगह बॉडी में फैट बनने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है, और जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसीलिए आइडियली आप लोगों को सोने के लगभग 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए, और तो और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। मिस्टेक नंबर 9, शेयरिंग मेकअप ब्रशेज एंड रेजर्स। शेयरिंग इज केयरिंग वाला कोट तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे के मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं। असल में दोस्तों, हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि फेस और आईलैशेस पर पैरासाइट्स होते हैं, और जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो ये पैरासाइट्स आपकी आंखों और फेस के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, फेशियल हेयर और बियर्ड के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं, जो यूज्ड रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करने से लोगों को एड्स जैसी सीरियस बीमारी तक हो चुकी है। मिस्टेक नंबर 8, नॉट क्लीनिंग द डेली यूजेबल स्टफ। हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, स्विचेस, बेडशीट्स एंड पिलोज, लेकिन इन सभी चीजों को बहुत रेयरली ही साफ करते हैं। क्या आप जानते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को रोज साफ करने से आप बहुत सी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल फोन, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों पर बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके टच करने से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और इसके अलावा आपकी बेडशीट पर भी बहुत सारे डेड सेल्स और डस्ट होती है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको अपनी डेली यूज करने वाली चीजों को हमेशा साफ और सैनिटाइज रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, कवरिंग योर माउथ विद योर हैंड व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खांसते और छींकते वक्त हमेशा अपने फेस को ढक लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको फेस को सही ढंग से ढकने का तरीका पता है? दोस्तों, आपको कभी भी खांसते और छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में दोस्तों, जब आप खांसते या छींकते हैं तो बहुत से जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जब आप इस दौरान फेस को हाथों से कवर कर लेते हैं तो वो हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों पर आ जाते हैं, तो जाने अनजाने में वो जर्म्स आपके हाथों से वापस आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा खांसते और छींकते वक्त हाथों की जगह एक साफ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे आप तुरंत डिस्पोज कर सके। एक बार इस्तेमाल करे हुए टिश्यू को भी आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, आज के मॉडर्न जमाने में बड़े नेल्स रखना और उन पर आर्ट करवाना फैशन बन गया है। इसके साथ साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नेल्स को दांतों से चबा लेते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नेल्स को काटने के बाद जितना इम्पोर्टेंट हाथों को धोना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट नेल्स को ट्रिम करना भी होता है। असल में दोस्तों, नेल्स में एक गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सी नर्व्स होती हैं, और साथ ही ये नर्व्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, और जब ये नर्व किसी हार्ड सरफेस के टच में आती हैं तो बहुत ज्यादा पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगली बार अपने नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना ना भूलें। मिस्टेक नंबर 5, ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा करना आपके इम्यून और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं। असल में खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपके पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड और इसके ही जैसे दूसरे एसिड्स बनने लगते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो इन एसिड्स में पानी मिल जाता है, जिससे एसिड्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है,
जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो खाना खाने के बाद एक या दो घूंट पानी पी सकते हैं, पर उससे ज्यादा पानी खतरनाक हो सकता है। मिस्टेक नंबर 4, नेग्लेक्टिंग इंटीमेट हाइजीन। बात जब पर्सनल और इंटीमेट हाइजीन की आती है तो मेल और फीमेल दोनों ही इसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी वो अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को देते हैं। दोस्तों, बॉडी के बाकी हिस्सों की तरह आप लोगों को अपने इंटीमेट एरिया को भी रेगुलरली क्लीन और ग्रूम करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इसके लिए सही प्रोडक्ट्स को ही इस्तेमाल करें। असल में नॉर्मल सोप्स में बहुत से हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपके इंटीमेट एरिया में इरिटेशन और इन्फेक्शन कर सकते हैं और नेचुरल बैक्टीरियल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए आपको इंटीमेट एरिया के लिए स्पेशली मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी तरह की इंटीमेट प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपकी इंटीमेट हेल्थ आपकी अल्टीमेट हेल्थ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग एक्सेस टूथपेस्ट ऑन टूथब्रश। हम सभी को लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतने ही ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। असल में दोस्तों, टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही केमिकल्स हैं जिनकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई में भी किया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्यादा पेस्ट लेने से आपके दांतों पर कितना बुरा असर पड़ता है। ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने के बजाय कमजोर होते हैं और मसूड़े भी कमजोर पड़ते हैं। इसीलिए आपको हमेशा पी साइज यानी मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को खाना खाने के बाद, ताकि आपके मुंह की सफाई पूरी तरह से मेंटेन रहे। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग कॉटन स्वैब्स क्यू टिप्स टू क्लीन द इनसाइड ऑफ योर ईयर्स। कान को साफ करने के लिए कॉटन स्वैब्स और क्यू टिप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल बहुत आम सी बात है, लेकिन क्या आपको पता है, इन चीजों का इस्तेमाल आपके कान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कान हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन होता है जो बॉडी का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। दरअसल दोस्तों, कान की इनर कैविटी बहुत ही नाजुक होती है जो कॉटन स्वैब्स और क्यू टिप्स जैसी शार्प चीजों से डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्यू टिप्स असल में वैक्स को कान के अंदर और ज्यादा पुश कर देती है, जिससे अल्टीमेटली ईयर ड्रम के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपनी सुनने की शक्ति खो सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने कान को साफ करना भी चाहते हैं तो इन टूल से आपको सिर्फ अपने कान के आउटर हिस्से को साफ करना चाहिए। कान के अंदर की डीप सफाई तो आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवानी चाहिए, या फिर अगर आप खुद भी अपना कान साफ करना चाहते हैं तो इससे पहले कान साफ करने के सारे इंस्ट्रक्शन समझ लें, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। मिस्टेक नंबर 1, क्लीनिंग फेस इन द रॉन्ग वे। दोस्तों, हर काम को करने का एक तरीका होता है, चाहे वो अच्छी राइटिंग करना हो या फिर अपने चेहरे को साफ करना ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, क्या आपको चेहरा साफ करने का सही तरीका पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। आपको कभी भी अपने फेस को जोर से रगड़ कर साफ नहीं करना चाहिए। फेस की स्किन बॉडी की स्किन से ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है, और जब आप इस सेंसिटिव स्किन को रगड़ते हैं तो इससे स्किन के फटने और सेल्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट डल और रफ स्किन होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी स्किन को सही से डैब डैब करके साफ करना चाहिए। ऐसे करने से स्किन पर रैशेज नहीं होते हैं और ना ही रिंकल्स पड़ते हैं। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप भी अपने फेस को बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी होगी। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।